नमस्कार दोस्तों, इंडिया हॉट टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए रुख करते हैं आज की बिजनेस बुलेटिन न्यूज पर। शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 550 अंक टूटा, निफ्टी 11,000 के नीचे। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर बिकवाली का माहौल रहा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 550 अंक की गिरावट के साथ 37,000 अंक के स्तर पर आ गया। निफ्टी की बात करें तो 150 अंक की गिरावट के साथ 11,000 अंक के नीचे लुढ़क गया। शुरुआती कारोबार में BSE इंडेक्स के सभी शेयर लाल निशान पर रहे। सबसे ज्यादा गिरावट बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स के शेयर में रही। BSE इंडेक्स पर इंडसइंड बैंक के शेयर में 4% की गिरावट रही। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा, टाइटन और एक्सिस बैंक के शेयर में भी गिरावट दर्ज की गई। केरल में पेप्सिको ने बंद किया अपना प्लांट, सैकड़ों हुए बेरोजगार। पेप्सिको ने केरल में अपना उत्पादन कारखाना बंद करने का निर्णय लिया है। मजदूरों द्वारा हड़ताल और लगातार विरोध प्रदर्शन की वजह से पेप्सिको को ये कारखाना बंद करना पड़ा है। इस कारण करीब 500 लोग बेरोजगार हो गए हैं। वहां के मजदूरों की मांग थी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बेहतरीन कार्य दशा और वेतन बढ़ोतरी की सुविधा दी जाए, और उनकी इस मांग पर कंपनी ने एक साल से कोई निर्णय नहीं लिया था। इसके बाद 22 मार्च को कंपनी ने इस कारखाने में तालाबंदी कर दी। अब बढ़ते हैं राजनीतिक बुलेटिन की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, छेड़खानी करने वालों के भी CAA की तर्ज पर लगेंगे शहर में पोस्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर बड़ा फैसला लिया है। यूपी में अगर कोई भी महिलाओं से छेड़खानी करते पकड़ा जाता है तो उसके पोस्टर शहर में लगेंगे। योगी सरकार ने इसी तरह का कदम नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुई हिंसा के दौरान भी उठाया था। सरकार ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों का पोस्टर सड़कों पर लगाया था। मिशन दुराचारी के तहत महिला पुलिस कर्मियों को जिम्मा दिया जाएगा। महिला पुलिस शहर के चौराहों पर नजर रखेगी। प्रदेश में महिला अपराध के कई मामले सामने आने के बाद CM योगी ने ये बड़ा फैसला लिया है। डोनाल्ड ट्रंप बोले, चुनाव हारूंगा तो आसानी से नहीं छोड़ूंगा सत्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर महीने में राष्ट्रपति चुनाव में हारने की स्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण से इनकार किया है। व्हाइट हाउस में बुधवार को एक प्रेस न्यूज कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चुनाव नतीजों को लेकर कहा कि हमें इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस बार अमेरिकी चुनाव के नतीजे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उन्हें पोस्टल वोटिंग को लेकर संदेह है। बता दें कि अमेरिका के अधिकतर राज्य कोरोना वायरस से लोगों की सुरक्षा के लिए मेल के जरिए वोटिंग कराने के पक्ष में हैं। स्पोर्ट्स बुलेटिन की बात करें तो 13 साल पहले आज ही टीम इंडिया ने T20 में रचा था इतिहास। हीरो बना ये नौसिखिया बॉलर। 13 साल पहले आज ही टीम इंडिया ने T20 प्रारूप में इतिहास रचा था। 2007 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाकर T20 वर्ल्ड कप के पहले संस्करण की चैंपियन बनी थी। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 1983 के बाद किसी विश्व खिताब पर कब्जा जमाने में कामयाब हुई थी। पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम इंडिया का प्रदर्शन लाजवाब रहा था, फिर भी भारतीय टीम की इस शानदार जीत में कुछ खिलाड़ियों का बड़ा योगदान रहा, जिनके बिना पर हम वो खिताब नहीं जीत पाते। क्राइम बुलेटिन की बात करें तो घोटाले के एक साल बाद भी PMC बैंक के ग्राहकों को नहीं मिले अपने पैसे। पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक्स के जमाकर्ताओं की मुसीबतें अब भी बनी हुई हैं। एक साल पहले 23 सितंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने इस सहकारी बैंक के बोर्ड को भंग कर दिया था। उसे बैंक में कई तरह की आर्थिक गड़बड़ियों का पता लगा था, जिसके बाद RBI ने उस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी थी। आपको बता दें कि PMC बैंक पर केस हुए एक साल हो गया है और अभी तक उनके ग्राहकों को उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। NCB को अबीगेल और सनम के घर से मिली मरिजुआना, पूछताछ के लिए फिर से तलब। बॉलीवुड की ड्रग मंडली पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। खबर है कि कल NCB को टेलीविजन एक्टर अबीगेल पांडे और सनम जौहर के घर पर छापे मारे के दौरान मेरुआना की एक छोटी मात्रा मिली थी। सनम और अबीगेल का नाम एक ड्रग पेड्रल के बयान में सामने आया था, जिसे NCB मुंबई ने गिरफ्तार किया है। आइए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित बुलेटिन पर। Amazon इवेंट में आज लॉन्च होंगे नए इको स्पीकर्स और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स। Amazon का हार्डवेयर इवेंट आज है। इस दौरान कंपनी ने इको स्पीकर्स,
फायर टीवी, वाईफाई राउटर सहित स्मार्ट डोरबेल जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी में है। अमेजोन का ये इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात के 10:30 बजे से शुरू होगा। हालांकि कंपनी इसे यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगी और जिन्हें इनवाइट भेजा गया है सिर्फ वही इस वर्चुअल इवेंट को ज्वाइन कर सकेंगे। सैमसंग गैलेक्सी F41 भारत में 8 अक्टूबर को होगा लॉन्च। मिलेगी 6000 mAh की बैटरी। सैमसंग गैलेक्सी F41 को भारत में 8 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा। ये जानकारी कंपनी के फ्लिपकार्ट के जरिए दी है। नई गैलेक्सी F सीरीज के स्मार्टफोन्स की बिक्री एक्सक्लूसिव तौर पर फ्लिपकार्ट से होगी, जिस तरह गैलेक्सी M सीरीज की बिक्री अमेज़न के जरिए की जाती है। सैमसंग गैलेक्सी F41 के लिए फ्लिपकार्ट पर एक टीजर पेज जारी किया गया है। टीजर के जरिए कंफर्म किया गया है कि सैमसंग के इस इनकमिंग स्मार्टफोन में वाटर ड्रॉप डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप और एक रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडिया हॉट टॉपिक्स को। धन्यवाद।